कि भुजंग प्रयात है, भुजंग मैंने सांप, यानी सांप की चाल, ये सांप चल रहा है। वो भुजंग प्रयात छंद में है आरएस की प्रार्थना, वो जो रात में बोल रहा था, भुजंग प्रयात छंद है आरएसएस की प्रार्थना कौन सी है? हाँ हाँ, नमस्ते सदावत सले मातृभूमि तया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमि त्वदर। अब लगागा लगागा तता ता ततिन्ना तदिन्ना तकत्ता, ये गत बन गई क्या? नहीं बनेगी ना, गत नहीं है। हम लोग उस स्वरूप को सुसज्जित करते हैं, उस स्वरूप का प्रस्तार करते हैं, उस स्वरूप को भरते हैं, चित्रकला करते हैं, उस काल मात्रा के उसको परिवेश देते हैं, एक पाटाक्षर का परिवेश देते हैं हम लोग, समझ लगी ना? तब वो रचना बनती है, तब वो छंद गति यति चाल ढाल, गति यति चाल ढाल, यही यही रचना के मराल, बस ऐसे बात समझ लीजिए। ये उसके दंड हैं, दंडक हैं, आधार हैं उसके। अभी बनाया है, मराल आ गया हाथ से, कुछ तो बोलूं। वाह, क्या बता रहा? वो रचना आप भर रहे हैं, लगागा लगागा से नहीं होगी, धागे ना धागे तिट तागे ना तागे तिट तागे ना तागे तिट तागे ना, इससे नहीं होगी। धाक टक धाग ना घेता रान धरते का तगिटा धाक धाक, आप कुछ ना कुछ सृजन करते जाएंगे। है ना, करते का तका घिन्ना तकिटा तक तक तकिटा तक, ऐसी नाचिए, ऐसी बोलिए, उठपटांग बोलिए, गत बन जाएगी, फिर उसको संवार लो, पहले नाचो तो सही। अरे नाचना सीखो, तबला आ गया, नाचता कौन है? मन है, मन नाचता है, मन उसका कारक है, और मन का कारक आपकी आत्मिक लय अवस्था, आपको कितनी सूझबूझ, जो मैंने अभी सब कुछ गिना, साहचर्य, ये सब आपका संस्कार, ये उस पर डिपेंड करता है। कलानुवृत्ति का होना बहुत बड़ी बात है, और जहाँ से मैं शुरू हुआ था कि कलानुवृत्ति से जब फंडामेंटल आपका कुछ बनता है, मूल अवस्था में आपकी रचना बनती है, ये असंभव है। ये एक उपादेय है परमात्मा का कि आप कोई फंडामेंटल मौलिक मौलिक रचना करते हैं, क्योंकि आपने नायक का अंश प्राप्त कर लिया, आप नायक के तुल्य हो जाते हैं उस समय जब आप अपनी रचना करते हैं कुछ। तो इसी तरह हमारे बुजुर्गों ने किया है, आपको कितना वांग्मय सुंदर वांग्मय बना के दिया है, उसको देखते रहिए, उसको पहचानते रहिए। चलिए, कृतिकृत का धागर तक दी, कृतिक धागर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, चाटे बोलता ही नहीं। हाँ जी, कृतिक तकत ढागड़ है ना, ले मेरा तबला कहाँ है, अरे यही थोड़ा सा, ये जो है ना कृतिक तकत धागड़, कृतिक तकत धागड़ तक दीन कृतिक धागड़, ये पखावज के बोल में से थोड़ा अंश है, कदव सिंह जी महाराज का है, ठीक है। कृतिक तकत धागड़ 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 एकदम तेजी से, नहीं भी बजेगा तो भी कोई बात नहीं, मैं बताता हूं क्यों, नहीं भी बजेगा तो कोई बात नहीं, डर बजेगा नहीं बजेगा क्यों, धा आसमान में गूंज रहा है, धा की गूंज प्रस्तुत है, वो ना में जो ग की जो कीर्ति है उसके ना के साथ मिल जाएगी, मिश्रित हो जाएगी। ते कत धागड़ अपने आप डर आ जाएगा, जब सेकंड आप जोड़ेंगे ना तो डर अपने आप प्रस्तुत हो जाएगा, अभी नहीं रहेगा, है कि नहीं? कृतिक कत धागड़, हाँ
करके तकत भागर तकदीर करते के भागर तकदीर करते के भागर तकदीर करते के भागर 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 तब ही आया हाँ तकदीर करते के भागर उसकी लय बनाओ ना तकदीर करते के भागर तकदीर करते के भागर तकदीर करते के भागर तकदीर करते के एक दो तीन चार तकदीर करते के भागर बिल्कुल ठीक है करते करते का धागर तक दिन करते के धागर धरते करते दिन करना ना करते करते करता हाँ 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 शाबाश धीरे धीरे कित दिन गड़ना ना धीरे धीरे कित दिन दिन गड़ना ना धीरे धीरे कित दिन गड़ना ना धीरे धीरे कित दिन गड़ना ना यानी छंद का एक एक बीट छंद का अभ्यास करते जाइए वो भी ये जो लॉट प्लॉट की प्रथा है ना उससे ये प्रस्तार कहलाता है छंदों का। ये ठीक है कि ये मानवीय भाषा नहीं है, हम मानवीय भाषा नहीं है, यहाँ अर्थ नहीं है, व्यंग्यार्थ तो है ही नहीं। तो अभिधा मैंने कल भी कहा कि अभिधा व्यंजना और लक्षणा कहाँ पैदा होंगी, ये नादी रूप में पैदा होती हैं। यहाँ अभिधा भी है, जब आपको पहचान होने लगती है कि मैंने ठीक बजा लिया, नाम मेरा ठीक आ गया, तो वो अभिधा ही है, उसका ज्ञान हो गया आपको। अब लक्षणा कोई नहीं है इसका, यानी भाव नहीं है, भाव के बाद रस उत्पत्ति नहीं है, ये इस कला में नहीं है, लेकिन जो इस कला में है वो साहित्य में भी नहीं है। साहित्य में कभी आता है एक मात्रा में तिट कृतक कट्ठे ले लूँ तिट कृतक नहीं आता ना उसमें, ये चक्रीवाणी नहीं होती है त्रिक 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 त्रिक, वह तो आता ही नहीं है साहित्य। और इसका यही अंतर होता जा रहा है कि ये नादीय वाणी है, वो अक्षर की वाणी है, ये पाठाक्षर की वाणी है, पाठाक्षर है। कान धक 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 धिगन कान यहाँ ता नहीं बजेगा कता का, तेते कत गदिगन बजेगा, बोलने में कता आएगा, बजाने में कत गदिगन आएगा। क्रान धक 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 धिगन हाँ क्रान धागे तेते कत गदिगन यानी कतिकत भी चलेगा, अगर गदिगन नहीं बजता तो कतिकत भी चलेगा। वो स्वरूप है ना, वो मार्ग का एक स्वरूप है। इसमें रूढ़िवादता लाने की आवश्यकता नहीं है। आप रूढ़ी हम रूढ़ी ये रूढ़िवाणी तो है, रूढ़वाणी है, लेकिन इसमें रूढ़ता लाने की आवश्यकता नहीं है। वो एक अंग है, एक वो भाग है एक मात्रा का, उसको निकलना है उस तरीके से, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत फर्क पड़े तब विवेचन होता है इस बात का, ठीक है ना। क्या था हाँ अच्छा यहाँ यहाँ दो रूप हो सकते हैं, ठीक है। नागेतरिकट हमने पूरा बोल लिया, ये भी हो सकता है नागेतरिकट ये भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, ये घिन लंबा हो जाएगा, उसमें नागेतरिकट घिन थोड़ा सा उस यहाँ हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन नागदरिकट घिन त्रान धा कत्ती किड़नक यही है ना। धाकड़ा अंधा कत्ती किड़नक धाकड़ा अंधा
ढाकरांधा ढाकरांधा, ये पंजाब का अंग है, ढाकरांधा बहुत चलता है, ढाकरांधा ठीक हो गया। अच्छा अब वहीं से रिपीट है, चलिए अब मेरे साथ बोलिए आप, चलिए चलिए किड़त किते का धागड़ तक दी किड़ तक धागत किड़त किते का धागड़ तक दी किड़ तक धागत किड़त किते का धागड़ तक दी किड़ तक धागत धरे किड़ दिंगड़ नाना धरे किड़ दिंगड़ नाना ऐसे ना भाग जाना किड़त किता दिंगड़ नाना किड़तक धरधर किड़धा क्रांग ढक धक धक दिगन नागतरी किड़ नागतरी किड़किन त्रांग धक तीन किड़ नागतरी किड़तक धरधर किड़तक धाकरांग धक तीन किड़ नागतरी किड़तक धरधर किड़तक धाकरांग धक तीन किड़ नागतरी किड़तक धरधर किड़तक धाकरांग धक। अब पिछला जो हिस्सा है ना, वहाँ आप एक खेप आता है माइंड में कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा, है ना, लास्ट मात्रा में खेप आता है, एक झटका लगता है तो ये पूरा होगा कि नहीं हुआ, भ्रम होता है, भ्रम होता है। ये भ्रम जो है ना, ये भी धातु का अंग है। भ्रम में पंगु, पंगु की भांति ये उसके अवयव हैं हमारी विद्या के। ये एक रिसर्च का विषय है, कुछ छेद पहले करिए। कृत कृत कद धागड़ तक दीन कृतक धागत धर धर कृत दींगड़ नाना कृतक धर धर कृत धा क्रांधक तटक तक दिगन नगतरिकट नगतरिकट घिन त्रांधक तीन किड़नक त्रांधक तीन किड़नक त्रां 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 त्रांधक तीन किड़नक तरिकट तक धर धरिकट तक धाक्रांधा कत्ती किड़नक तरिकट तक धर धरिकट तक धाक्रांधा कत्ती किड़नक तरिकट तक धर धरिकट तक धाक्रांधा। फिर बोलिए एक बार, याद हो जाएगा, थोड़ा तेज बोलें। हाँ भाई, आज्ञा है तेज बोलने की, बोलो। आज्ञा नहीं दे सकते, चलो फिर मेरी बात मानो, थोड़ा तेज करो, करो तेज। वन टू थ्री स्टार कृतक तक धागड़, वन टू थ्री स्टार कृतक तक धागड़ तक दी कृतक धागड़ झट कर दी गड़ना ना कृतक धर धिकड़ था क्रां धक तक तक दिन नाक तक नाक तक गिन त्रां धक तक गिन तक तक धर धर कृतक धागड़ आंदा कति गिन तक तक धर धर कृतक धागड़ आंदा कति गिन तक तक कृतक धर धर कृतक धागड़ आंदा कृतक तक धागड़ तक दी कृतक धागड़ धर धर कर दी गड़ना ना कृतक धर धर कृतक था क्रां धक तक तक नाक तक नाक तक क्रां धक तक गिन तक कृतक धर धर कृतक धागड़ आंदा कति गिन तक कृतक धर धर कृतक धागड़ आंदा कति गिन तक कृतक धर धर कृतक धागड़ आंदा। अब आ गया समझ, मैं आपको बड़ी नज़दीकी से समझाता हूँ। तीन विद्याएं, नित्य विद्या, पैर से तक 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 तक, ठीक है, ये यमाकृति है। यम कितना है मनुष्य के अंदर, वो काम करता है। यम ही तैयारी प्रस्तुत करता है आपके अंदर। अगर यम की मात्रा कम है या विकृत है तो आप ऊपर नहीं आ सकते। और विकृत कैसे है वो एक अलग डॉक्टरों का अध्ययन है। यार ये क्यों नहीं इसकी तेजी आती, ऐसे ऐसे करता है, और गले में वो तान का बनना, अब वो भी तान है, ऐसे ऐसे करते हैं, उसकी तान ही नहीं बनती, इतना इतना लंबा सूत होता है उसकी तान में। और सूत कब उसका काल कम हो तब तान बने, सूत का काल कम हो तो तान बने, और फिर उसकी तैयारी हो, जैसे मशीन
वो कुतरा करती है गाय के लिए चारा, वो तेज चले तब गाना है। इसी तरह ये तक 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 दिग 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 दिग, ये सब ये उसका है, यम का प्रेशन है, यम की इम्प्लीकेशन है सारी। यम ही तैयार कर रहा है तबला और गाने में हो गया, सितार में देख रहा रात वो धड़। यानी ये जो ये है ना, यही विस्फार है जो मैंने रात को कहा डर। अब जिसका इतना गला चलेगा कि ट्रमोलो हो जाए उसके गले में, तो तान का क्या हाल करेगा। लेकिन आवश्यकता है, तैयारी भी आवश्यकता है, और उसके लिए ऊर्जा पैदा होती है। आप रोज अभ्यास करेंगे तो तैयारी भी होगी, ऊर्जा भी होगी, सफाई भी होगी, वर्ण भी साफ होंगे। ठीक, ओके, चलिए जी, फिर दोबारा केवल दो बंशें होंगी लगता है। कितना टाइम हो गया हैं? 12 बहुत खतरनाक होते हैं, मत बताओ यार टाइम। कृतक तक धागड़ तकदीन कृतक धागत धिर धिर कृदी कड़नाना कृतक धिर धिर कृधा क्रां धग धटक तकदिगन नागतरिकट नागतरिकट घिन त्रां धक तीन कड़नक तेरिकट तक इकटा तेरिकट तक धड़ धड़ कट तक धाकड़ान धा कत्ती कड़न तेरिकट तक धड़ धड़ कट तक धाकड़ान धा कत्ती कड़न तेरिकट तक धड़ धड़ कट तक धाकड़ान धा। अब हाँ जी, फिर बोलिए। कृतक तक धागर तक दी कृतक धागत। देखिए ये धागत जो शब्द है ना, ये दो बार आया है, इसलिए यहाँ जब कोई शब्द दो बार आता है, आवृत्त होता है, ये कंडीशनल तो नहीं है, लेकिन लाटानुप्रास का विषय हो जाता है। साहित्य में एक लाटानुप्रास होता है जब कोई शब्द है ना, और जब एक वर्ण ऐसा ऐसा चलता है बार बार छेकता है वायु को, तब छेकानुप्रास होता है। जब वैसे करण श्रौत बनता है तब वृत्यानुप्रास होता है। इस तरह अनुप्रास बनते हैं, उसके बाद यमक बनते हैं, यमकों का होता है। यमक कितने प्रकार के हैं? पादांत यमक, ये माला यमक, ये दूसरा यमक, दृष्ट संदृष्ट यमक है ना। ये सब यमकों के आगे प्रकार हैं कि हमारे कहाँ कहाँ उस श्रेणी में हमारी व्यवस्थाएं होती हैं रचनाओं की। वन टू धागे ना धागे ते ते धागे ना धागे ते ते वन टू थ्री किटक तक धागड़ ता दी किटक धागड़ धीरे धीरे किट दिंगड़ ना ना किटक धीरे धीरे किट ता प्राण धागे तेरे कतक दिगड़ नागे तेरे किट नागे तेरे किन प्राण धागे ती गड़ नागे तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक प्राण धागे ती गड़ नागे तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धाकड़ां धागे ती गड़ नागे तेरे किट तक धीरे धीरे किट तक धाकड़ां धा। चल रुचा आ जा, तू भी आ जा, आ जा आ जा आ जा। ये प्रेरणादायक होता है ये सब। एक को देख के दूसरा आदमी कहेगा मुझे भी तो बुलाए। अरे आप याद करो, मैं आपको बुलाता हूँ, करो याद। चलो चलो इकट्ठे बोलो दोनों। धागे ना धागे तेटे तागे ना तागे तेटे धागे ना धागे तेटे ताकड़ान धाकड़ान धा।